अभी अभी दो मिनट सर, चलेगी इसका सर, चलेगी इसका सर, ठीक है डॉक्टर डिक्लेयर। तू खाई मत कर, तू फोन ले लो और पटके नो में फोन ले लो, साथ फोन मत दे इसके लिए, ठीक से ठीक फोन मत दे सर। पुणे में टिकटॉक स्टार की रहस्यमयी मौत, लड़की की मौत से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, क्या मंत्री से रिश्तों के चलते कर ली खुदकुशी, आखिर क्या है पूजा चौहान की मौत का सच। पापा आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि माँ अगर जन्नत तो आप जन्नत के भगवान। कभी टिकटॉक पर अपने एक से बढ़कर एक वीडियोस के जरिए नौजवानों के बीच जगह बनाने वाली पुणे की टिकटॉक स्टार पूजा चौहान ने रविवार रात तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। बीड़ की रहने वाली 22 साल की पूजा पुणे में अपने भाई के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इस लड़की की मौत से तब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया जब सूबे के एक मंत्री का नाम पूजा चौहान के नाम के साथ जोड़ा जाने लगा। असल में पूजा को लेकर उसकी मौत से पहले और मौत के बाद उस कथित मंत्री की अपने एक कार्यकर्ता से हुई बातचीत के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और इन्हीं वायरल ऑडियो के सहारे बीजेपी ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महामंद इलाके के हेवन पार्क सोसाइटी की रहने वाली पूजा को तीसरी मंजिल से नीचे गिरने के बाद आनन फानन में उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। सोशल मीडिया पर पूजा को लेकर वायरल ऑडियो क्लिप के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उसकी एक मंत्री से नजदीकी रिश्ते थे और इसी के चलते पूजा ने जान दे दी। एक ऑडियो क्लिप में दो लोग किसी लड़की के बारे में बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं और इनमें एक शख्स इस राज के फाश हो जाने पर अपना पॉलिटिकल करियर तबाह हो जाने की बात कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं। ठीक इसी तरह लड़की की मौत के बाद यही कथित मंत्री अपने किसी कार्यकर्ता से अस्पताल में घुसकर हर हाल में लड़की का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेने की बात कहते सुने गए ताकि उनके रिश्तों की पोल न खुले। अभी अभी दो मिनट सर, चलेगी इसका सर, रुक दो मिनट, चलेगी इसका सर। तू काही मत कर, तू फोन ले लो और पटक्या नो मैं फोन ले लो, ताब फोन मत दे इसके लिए, ठीक से और फोन मत दे सर के नहीं, बस कार्यक्रम प्रसार बाकी कही विला चेतन देगा पंकज खेलकर पुणे आज तक।